गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का ये आज हमारा डे 30 है, 30वां दिन है। हमने एक टारगेट लिया था कि हम रेलवे के कंप्लीट सिलेबस को 90 डेज के अंदर कवर करेंगे। कई सारे अपने चैप्टर हो चुके हैं और आज की क्लास के बाद आप मान सकते हैं कि आपका 1/3 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री हम काफी पहले स्टार्ट कर चुके हैं। ज्योमेट्री की क्लास 5 है। ये क्लासेस किस सीक्वेंस में चलती हैं, इसके लिए जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी उससे पहले एक पीडीएफ आपको दी गई थी जिसमें बताया गया था कि डे 1 को डे 2 डे 3 किस हिसाब से क्या लेक्चर आपके होंगे, तो उसी सीक्वेंस को हम लोग यहां पर मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद अगली जरूरी बात, टेलीग्राम आपको दिख रहा है। टेलीग्राम पर जाएंगे और आप सर्च करेंगे वासु स्टडी आईक्यू, यहां पर आपको एक चैनल मिलेगा। इस चैनल को आप ज्वाइन करें। यहां पर डेली बेसिस पर आपको क्लासेस की लिंक मिल जाती है, प्लस में जो आपको पढ़ाया जाता है उनकी पीडीएफ मिल जाती है। अपनी जो पीडीएफ होती है वो एकदम स्टैंडर्ड की होती है, या यूं कहें कि उनके अंदर अगर आपके पास पीडीएफ है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वहां जगह जगह आपको लिखा रहता है कि ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है। जहां कहीं भी आप क्लिक करेंगे तुरंत आप वीडियो क्लास पर आ जाएंगे। तो किसी बच्चे को अगर पुरानी क्लासेस ढूंढने में इश्यू आ रहा है तो कम से कम वो खुद के पास वो पीडीएफ जरूर रखे, जिससे कोई भी इश्यू उसके सामने नहीं आएगा। नीचे वाला पार्ट आपका है वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। आज का जो सेशन अपना रहने वाला है वो रहने वाला है रेक्टेंगल पर बेस्ड, और कुछ सवाल हम लोग करेंगे रोम्बस के। तो यहां से देखना जरा, रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल या फिर आयत, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, और एक प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्या दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल में आपको एक बात पता होगी, आयत के अंदर चारों के चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं। पेरीमीटर, परिमाप की बात करें, पेरीमीटर किसी भी शेप को बनाने में जितनी लेंथ को काम में लिया गया उसकी पेरीमीटर होगी। 2 बार a 2 बार b, 2 मैं कॉमन ले लेता हूं तो a+b, इसका जस्ट आप हाफ कर देते हैं, तो आपके पास आती है सेमी पेरीमीटर। तो वो क्या होगी भी, a+b, जस्ट आधा कर दिया इसका। 2a में से एक a को ले लो और 2b में से एक आप b को ले लो, या इसमें 2 का डिवीजन कर दो। एरिया जो है इसका वो बड़ा ही आसान है। क्षेत्रफल क्या लिखते हो भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखा जा सकता है। डायगनल की बात करें तो ये हो गया इसका डायगनल या फिर विकर्ण। कैसे निकालोगे भी डायगनल की वैल्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पढ़ भी चुके हम लोग, तो डायगनल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो यहां से डायगनल की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी अंडर रूट में a² + b², ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप थोड़ा सा देखना, सबसे जरूरी रिजल्ट आपका ये है, अलजेब्रा के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला चलता है a+b² आप इसका रिजल्ट लिखते हैं a² + b² + 2ab, ये लिखा जाता है। जितनी भी चीजें हैं हमारे पास उसके हिसाब से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या है भाई, a+b लिखा जा सकता है। डायगनल अंडर रूट में है तो डायगनल का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो उसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं इजी वे में। अगर एरिया की बात करें तो एरिया a * में आपका b होता है, तो आप यहां से एरिया की वैल्यू भी लिख सकते हैं। एक एक करके सारी वैल्यू लिखेंगे तो ये जो बात लिखी हुई है ये क्या, अपनी सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर बराबर, ये पूरी बात किसको बताती है, डायगनल के स्क्वायर को, विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में अगली जो बात है वो किसको बताती है, एरिया को। इस पर जो सवाल बनता है, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं भाई, उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं कि लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी, और एक टाइम तक टाइम किल करने के बाद इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यार ये सोल्व ही नहीं हुआ सवाल।
तो वो जो टिपिकल टाइप का सवाल होता है वो इस पैटर्न पर बेस्ड होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक छोटा सा होमवर्क है आपका, ये आप करके रखेंगे, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अंदर या बाहर, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है O, ये A B C D, ये हो गया। तो यहां से O A O B O C और O D के अंदर क्या रिलेशन होता है, आपको रिप्लाई करना है कि ये रिलेशन आपने निकाल लिया। इस पर बेस्ड एक सवाल भी रखा है, एक या दो मेरे ख्याल से। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो यस लिख देना, और अगर आप इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट के अंदर नो लिख लेना। अगर 20-25 बच्चों से ये सवाल सोल्व नहीं होता है, इतने कमेंट अगर अपने नो के आते हैं, तो अगली क्लास में मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर लगभग यस आते हैं या रिप्लाई नहीं आते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि आपने इसका कंक्लूजन निकाल लिया है। अब इसी पर बेस्ड हम लोग बात कर देते हैं भाई क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो देखना जरा, आपके सामने सवाल नंबर 531, क्वेश्चन नंबर 531। के अंदर देखो इसने आपको क्या कहा। इसने कहा कि 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण, कोई फर्श आपका पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणा 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात है भाई, जितना एरिया आपके फर्श का है, सिंपल सी बात है, ऑब्जर्व करना, जितना एरिया आपके फ्लोर का है, फर्श का है, एक पत्थर का एरिया, कुछ पत्थर की साइज जिसने दे रखी है, मान लो इस टाइप का सा पत्थर है, ठीक है, ऐसे आप पत्थर लगाते हो n, इन सब का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, तभी तो ये ढकेंगे ना इस हिसाब से, ये रखे जाएंगे इसके ऊपर कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या कंक्लूजन निकलता है, n पत्थर आप लोगे, एक का एरिया आपको पता है, टोटल का आपको पता है, तो डिविजन करते ही रिजल्ट आ जाएगा। इसका इसके अंदर भाग दे दोगे तो सीधे सीधे आपके पास जो रिजल्ट है वो इसका निकल के आ जाएगा। एग्जाम की बात करने में फर्श का एरिया कितना है भाई, 30 मीटर गुणा में 17.5 मीटर, एक पत्थर का एरिया कितना है 2.5 मीटर गुणा में 2 मीटर, ऐसे कितने पत्थर लगेंगे, मैं मान लेता हूं एन, देखना जरा, ये मैंने सीधे डिविजन किया है। एक्चुअल में तो बात आपको ये एक्सप्लेन की थी मैंने, फ्लोर का एरिया एन गुणा में एक पत्थर का एरिया, तो एक का जो एरिया है उसका डिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने पत्थर यहां पर लगेंगे। सोल्व कर लेते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 25 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 15 बार, 15 गुणा 7 105, ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट। एग्जाम में इतना ही करना है, और किसी भी टाइप की कोई कलाकारी आपको दिखाने की नीड नहीं है। अगला सवाल 532, 532। लैंग्वेज को रीड करो भाई जल्दी से पहले तो, और इस सवाल में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है उसको भी डिस्कस करते हैं। सवाल आसान है, बस वो बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए जिससे कि ये सवाल आपका इजी वे में हो जाए। देखना, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई 3:4 के अनुपात में है, मैदान का क्षेत्रफल या एरिया जो है वो 1/12 हेक्टेयर है, तो यहां पर इसने हेक्टेयर में एरिया दे दिया, और फिर देखना क्या पूछा, उस मैदान की चौड़ाई कितनी है, रिजल्ट आपके किस में, मीटर में, एरिया को मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो एक छोटा सा रिजल्ट आपको लिखना है, अगर आपके पास कोई खेत है जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई भी 100 मीटर, तो इसका जो एरिया होता है खेत का ये 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है भाई, हेक्टेयर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। बीघा की अगर हम लोग बात करें तो बीघा जो होता है आपका वो पूरे देश में, नॉर्थ से साउथ में चले जाओ, ईस्ट से वेस्ट में चले जाओ, बीघा आपका चेंज होता रहता है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है।
आपको पता चलेगा कि आपसे 20-30 किलोमीटर दूर बाद ही बीघा की कोई और पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लेकिन हेक्टेयर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। कि एक वर्गाकार खेत मान लो जिसकी भुजा 100 मीटर है, या फिर एक ऐसा खेत जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100-100 मीटर है, उसका एरिया एक हेक्टेयर होगा। तो यहां से छोटा सा रिजल्ट हमारे पास आया, एक हेक्टेयर मतलब 100 मीटर गुणा 100 मीटर, तो आप लिख सकते हो 10,000 मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारी किताबों में तो हेक्टेयर नहीं दिया रहता। देखो ऐसा है, एनसीईआरटी की बुक्स आप उठा करके देखेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, तो मेरे ख्याल से 6ठी से 8वीं तक के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं हेक्टेयर का ये जो डेटा है ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब एग्जाम में पूरे पूरे चांस बनते हैं कि वो हेक्टेयर को काम में ले सकता है। इनको चैलेंज नहीं कर सकते हम लोग कि आपने ये यूनिट क्यों काम में ली। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, आयताकार का मैदान का क्षेत्रफल देखना, चौड़ाई कितनी 3x, लंबाई कितनी 4x। पीछे मैंने आपको सिखाया था, ये एग्जाम की बात चल रही है भाई, पीछे मैंने आपको सिखाया था कि अनुपात में जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, दोनों के साथ एक्स रखो। एक बार के लिए इस सवाल को बिना एक्स रखे सोल्व करना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ होती है। बिना एक्स रखे आप सोल्व करेंगे, एक की वैल्यू आएगी, उसको रखेंगे 3 और 4 में, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट ड्रास्टिक वे में चेंज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, रेशियो में दो चीजें दे रखी हैं, एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो आपको एक्स लेना पड़ेगा क्योंकि उन दोनों में कॉमन यूनिट है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो असर नहीं डालती, लेकिन मल्टीप्लाई में असर डालती है। ये एरिया हो गया बराबर किसके भी, 1/12 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10,000, और इसका कौन सा हिस्सा है भाई, 12वां हिस्सा। ये किस में देगा मेरा रिजल्ट, मीटर स्क्वायर के अंदर। इसे अगर हम लोग सोल्व करें तो देखना, ये एक्स स्क्वायर है, मैं इसका कर देता हूं अंडर रूट, एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट करोगे एक्स आ जाएगा। 10,000 का अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई, 100। अपोन में देखना, 4 × 3 = 12 × 12 है, तो इसको एक्स स्क्वायर, 10,000/12 का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। पूछा क्या है, मैदान की चौड़ाई। एक इंपॉर्टेंट बात और आई, जनरली हमें डेटा लंबाई गुणा चौड़ाई में दिया रहता है, तो कई बार यहां पर देखो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे बच्चा सोचेगा ये लंबाई ये चौड़ाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये है, इसको 4 से गुणा करोगे 4x, 33.33 आएगा। लेकिन नहीं, शुरुआत में सवाल को अगर आप गौर से देखते तो चौड़ाई विड्थ आपको पहले दे रखी है, लेंथ आपको बाद में दे रखी है। तो ये छोटी सी अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, 3x की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मतलब इसको 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करोगे 4 बार कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 25। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 533 की बात कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 533, सवाल नंबर 533। देखना इसने क्या कहा कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। इसको ऐसा लिख लेना, 4 वर्ग डेसीमीटर क्षेत्रफल, क्योंकि 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर भी देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस सवाल में जो बात दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करवा देता हूं, 1 किलोमीटर के अंदर आपके होते हैं 1,000 मीटर, हर बच्चे को पता है। 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बच्चों को इसके बारे में नहीं पता रहता। और 1 मीटर के अंदर आपके पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये भी हर बच्चे को पता है, ये भी पता है। अगर मैं इन दोनों चीजों को इक्वल रखूं तो कंक्लूजन छोटा सा ये आ जाएगा, 1 डेसीमीटर में कितने भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें कितने आ जाएंगे, 10 मिलीमीटर, एक छोटा हिस्सा और हो जाएगा आपका।
इसकी हालांकि आपको कोई खास नीड होगी नहीं, मेरे हिसाब से बस आप इतना ध्यान रख लो, बाकी सब सेम है। इससे भी थोड़ा सा ध्यान रखो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन डेसीमीटर वाली बात जरूर ध्यान रखना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हर बच्चे को पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी हर बच्चे को पता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, मीटर के 10 हिस्से करोगे, डेका की फॉर्म के अंदर चला जाता है, सॉरी डेसी की फॉर्म के अंदर वो आपका चला जाता है 10वां हिस्सा मीटर का, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कुछ कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, तो जिनको नहीं पता है वो अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इनको आपस में रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर को भी आगे और ब्रेक करना चाहो तो उसके अंदर आपके 10 मिलीमीटर रहते हैं। क्लियर है? जो आपके पास स्केल होती है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करें, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इनके बीच के अंदर यहां पर छोटी छोटी आपको लाइनें दिखेंगी बनी रहती हैं, तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की जो दूरी होती है इसके अंदर 10 मिलीमीटर इन्वॉल्व रहते हैं। स्केल के ऊपर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो इस सवाल के अंदर जो सबसे जरूरी बात थी कि आपको डेसीमीटर के बारे में पता होना चाहिए, ये पता होगा तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा, बाकी सवाल में कुछ खास बचता नहीं है। देखना, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए, कमरे का क्षेत्रफल कितना है भाई, 8 मीटर गुणा में 6 मीटर। क्लियर है? और इसको ढकने के लिए सेम वो की वही बात है, ये मान लो आपका कमरा है, इसका फर्श है, पत्थर लगाए गए हैं यहां पर छोटे छोटे, कितने लगेंगे भी, एन लगेंगे। इसका मतलब एन पत्थरों का क्षेत्रफल इस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कितने पत्थर चाहिए, तो एक पत्थर के क्षेत्रफल का इसमें डिवीजन कर दो, पत्थरों की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए मैं सीधे सीधे एग्जाम से पहले थोड़ी सी बात और समझते हैं कि एग्जाम में क्या ध्यान रखना होता है और कैसे आप इसको सीधे डील कर सकते हैं। देखना, फर्श का क्षेत्रफल आपने लिख लिया, एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग डेसीमीटर कर लेना उसको, 4 डेसीमीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखना जरा, पत्थरों की जो संख्या है उसकी कोई यूनिट नहीं आती है कि 100 सेंटीमीटर पत्थर, कि 100 पत्थर आए लेकिन सेंटीमीटर बच गया, 50 मीटर पत्थर, ऐसा नहीं होता। पत्थर क्या है, 50 पत्थर, 100 पत्थर, 200 पत्थर, इस हिसाब से चलता है। इसका मतलब यहां जो यूनिट है वो इस यूनिट के साथ कटनी मस्ट होती है, क्योंकि यहां पर कोई भी यूनिट नहीं होती। संख्याएं हैं, जैसे किसी के पास कोई कह दे मेरे पास 10 पेन है, तो 10 पेन मीटर में, किलोमीटर में, लीटर में, इनमें नहीं होते, वो संख्या है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो सेम वही काम, कटेगा कैसे भाई, ऊपर और नीचे की जो यूनिट होती है उनको एक जैसा, यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए भाई, सेम, ऊपर की और नीचे की यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो बेटर क्या रहेगा, आपको पता है मीटर को डेसीमीटर में बदलना आसान है, 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर को मीटर में बदलोगे तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। हमेशा इजी क्या रहता है, बड़ी यूनिट के छोटे टुकड़े करना, जैसे 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर लिख दो उसकी जगह, लेकिन 10 सेंटीमीटर दे दिया उसकी जगह मीटर लिखोगे तो आपको अनवांटेड डिवीजन करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लग जाता है। तो हमेशा ही बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में ब्रेक करने की कोशिश किया करें जिससे काम आसान हो। 8 मीटर को मैं क्या लिख देता, 80 डेसीमीटर, 6 मीटर को क्या लिख देता, 60 डेसीमीटर, एरिया कितना भी, 4 डेसीमीटर का स्क्वायर, तो यहां भी डेसीमीटर 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 स्क्वायर से कट गया। इसको सोल्व करना था भी, यहां से काटा 20 बार और 6 गुणा 2 12 और आपके लग गए 2 0, तो 1200 पत्थरों की आपको, एक मिनट क्या गड़बड़ की भाई हमने, 6 मीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर डेसीमीटर ही दे रखा है इसने भाई। फिर से देखते हैं जरा, 8 मीटर हो गया, 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर आपके हो गए, तो 80 डेसीमीटर ये हो गए, 60 डेसीमीटर आपके ये हो गए, और इनके अंदर आपको डिवीजन करना है 40 का, रिजल्ट कितना आ रहा है भाई, 1200। ऑप्शन को एक बार के लिए आप देखना जरा, इसको चेक करना, रीजन क्या है, देखो पीछे भी मैंने एक सवाल गलत किया था कि 360 में कुछ डिवीजन करना था, फिर 300 के अंदर डिवीजन कर दिया अगली स्टेप में,
अब मैंने गौर करके देखा, क्योंकि जो मैं मिस्टेक कर रहा हूं वो मेरे पकड़ में जनरली नहीं आएगी। ऐसा ही होता, आपके साथ भी यही होता है कि आप जब दूसरे से कंसल्ट करते हैं तभी आइडिया लगता है कि आपने ये सिली मिस्टेक कर रखी है। तो 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, तो यहां पर 80 और 60 आप डेसीमीटर में लिख सकते हो। ढकने के लिए 4 डेसीमीटर के जो पत्थर है, कितनी टाइलों की आपको आवश्यकता होगी, तो 4 का आपने कर दिया भाई यहां पर डिवीजन, मेरे हिसाब से इतना ही बनेगा। बाकी आप एक बार के लिए इस सवाल को भी देख लेना, कोई इश्यू होगा तो मैं अगली सवाल में क्लास में इसको कंसल्ट कर लूंगा। चलिए अभी सवाल नंबर 534, सवाल नंबर 534, लैंग्वेज को रीड करें। इसमें इसने कहा कि एक आयत ABCD के अंतर्गत एक बिंदु Q है, QA बराबर 3, QB बराबर 4, QC बराबर 5, QD की लंबाई क्या होगी। असल में देखा जाए तो मैंने आपको होमवर्क दिया है इस सवाल का, और वो आपको खुद से करना है। ये मान लो आपके पास ABCD, यहां पर आपके पास क्या है Q, QA की वैल्यू कितनी आपके पास 3, और Q से लेकर B तक की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, Q से C तक की दूरी आपके पास कितनी है 5, Q से D तक की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। असल में इसका रिलेशन तो बड़ा ही इजी होता है, लेकिन वो जो होमवर्क दिया उसको करना जरूर। उसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज से हटके उसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा, तो आप एक बार उसको ट्राई करना। मतलब थोड़े से पढ़े लिखे इंसानों की तरह थोड़ा सा बिहेव करोगे तो क्या टीचर को भी थोड़ा फील आएगा कि भाई बच्चे भी अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। हालांकि इसका आंसर मैं बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे सोल्व करेंगे। कमेंट में आपको यस या नो लिखना है, कम से कम मुझे तो आइडिया लगे कि 20-30 बच्चे तो हैं क्या अपने फेवर के, इतने देखते हैं उनमें से। देखो इसका रिजल्ट होता है QA, आमने सामने की जो साइड ये जो चलती रहती है, QA का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, QC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बराबर ये रिजल्ट आएगा QB 4 का स्क्वायर 16 और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये पॉइंट Q जो है वो आपका चाहे अंदर हो, चाहे आपका इनसाइड हो, चाहे आपका ये आउटसाइड में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्व करोगे 25 में से 16 चला गया 9 18, 18 को क्या लिख सकते हो 9 गुणा में 2, और ये अंडर रूट कर दिया मैंने, तो ये क्या जाएगा 3√2। एग्जाम में करने लायक इतनी सी बात है, एग्जाम में डायग्राम की नीड नहीं होती, क्योंकि ABCD आपको सीधे सीधे दे रखा है, तो QA QC के साथ ही कॉम्बिनेशन आपका क्रिएट करेगा, उसी से आपका रिजल्ट सोल्व होगा। चलो भाई 535, सवाल नंबर 535, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, एक बार के लिए आप इस लैंग्वेज को रीड करें। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की बाउंड्री के चारों ओर साइकिल चलाकर 8 मिनट में चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। बात को थोड़ा सा समझना, आपको इसने दे रखा है एक आयताकार पार्क, ये बनाया आपने पार्क, लंबाई इसकी कितनी दी भाई 3, चौड़ाई इसकी कितनी दी उसने 2। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर काटता है, और टाइम कितना लगा भाई 8 मिनट। स्पीड डिस्टेंस क्या होती है आपकी, स्पीड इनटू में टाइम। तो देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस एक बार के लिए मैंने नहीं पढ़ा है, तो सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, समय 8 मिनट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8/60 घंटे, लिखा जा सकता है, आर से आर कट गया। अब ये जो रिजल्ट आएगा आपका ये किस में आएगा, किलोमीटर में,
तो इसका मतलब 1 किलोमीटर किलोमीटर को बदलने के लिए किससे गुणा कर दो, 1000 से, तो मीटर में रिजल्ट आ जाएगा। बाकी ये वाला सीधे सीधे आपका कंक्लूजन भी निकलता है, उसको खैर हम लोग देख लेंगे बाद में, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तब, कि किसका किस में गुणा किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। बाकी एसएससी के जो पेपर मैंने बीच में सोल्व करवाए थे उनमें इन छोटी छोटी बातों को वैसे भी डिस्कस कर दिया था। चलो सोल्व करें, 1 0 से 0 कट गया, 6 से काटोगे 2 बार, 8 × 2 = 16 और ये 2 0, तो इसका मतलब ये जितनी भी दूरी है आपकी चारों तरफ चक्कर काटा 1600 मीटर है। वैसे देखोगे रेशियो में कितनी, 3 3 2 2, 3 3 6 और 4 10, 10 किसको बताता है भाई, 10 बताता है आपका 1600 मीटर को, किससे गुणा किया, 160 से। तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी, 160 से गुणा करोगे 480, और इस वाली दूरी को अगर आप 16 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 320 लिखा जा सकता है। इसका आपस में आपको करना है मल्टीप्लाई, जिससे कि एरिया, क्योंकि लंबाई निकाल ली चौड़ाई निकाल ली, देखना 0 0 48 × 2 = 96, कैरी कितनी भाई 9, 48 × 3, 50 को 3 से करते हो 150, 2 कम है 3 बार, तो 144 के अंदर 9 जोड़ोगे तो 153, रिजल्ट किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर के अंदर। क्या एग्जाम में इस हिसाब से डील करना था, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। पहली बात, डायग्राम को आप अवॉइड करो, ठीक है भाई। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसकी कितनी हो गई, 3 + 2 = 5, 5 = 10 हो गई, तो 10 वो चला है दूरी रेशियो के अंदर। यहां 12 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदलेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, किलोमीटर प्रति घंटा को 5 12 किलोमीटर है तो इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 5/18 से, ठीक है भाई। दूरी ये स्पीड किसमें आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। अब 8 मिनट है तो आप 8 × 60 कर लोगे तो ये किसमें, सेकंड से सेकंड कटेगा मीटर में। ये किसको बताता है भाई, ये पेरीमीटर को बताता है, आपकी जितनी भी पेरीमीटर है, क्योंकि आदमी चला। अगर मैं यहां पर 10 थी मेरी पेरीमीटर, 10 का भाग दे दूं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले तो उसी को निकालते हैं। ये इससे काटा, ये इससे काटा, 3 से काटोगे 4 बार, 5 × 4 = 20, 8 × 2 = 16, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 160। एरिया क्या बता रहा है, एरिया मेरा है 3 × 2, ठीक है भाई। 1 की वैल्यू 160, 3 की वैल्यू, तो 3 × 160, 2 की वैल्यू 2 × 160। देखो अगर पिछली बात आपकी समझ में नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं वो तो समझना नहीं चाहता, इससे मैं कलाकारी कर दूंगा, नहीं, संभव ही नहीं है। देखना 16 16 256, 2 0 लग गए, 256 को 6 से करोगे, 256 को 6 से करना है, 6 6 आपका 36, 25 6 150 और 3 153, ये रिजल्ट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्लियर है। अगर आपने पिछले वाली बात को नहीं समझ रखा है और आप चाहते हैं कि सीधे सीधे सवाल सोल्व हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, बेसिक आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने यहां पर वो वाला जो वाहिया तरीका है वो नहीं चलता है, कि ये सवाल है इसकी ट्रिक याद कर लेना, अगला सवाल है इसकी भी ट्रिक याद कर लेना, उससे अगले के भी अलग ट्रिक याद कर देना। अब एक टाइम के बाद जितनी देर आप टीचर से पढ़ते हो तब तो सुंदर लगता है, रीजन ट्रिक भी यहीं पर रखी हुई है, सवाल भी यहीं पर है, करना क्या है, इधर की वैल्यू उधर रखनी है। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है, एक दो चैप्टर मतलब 10-15 दिन के बाद खुद विचार करते हुए, या वैसा ही सवाल सामने टकरा जाता है, आपको हवा ही नहीं लगती कि यार क्या तो ट्रिक थी, क्या पूछ रहा है, क्या करना है यहां पर। तो मैं जैसे आपको पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ाने का सिर्फ इतना है कि चीजें कॉमन सेंस में डालते रहो, जिससे वो ना तो जीवन भर भी उनको आप कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने समझ रखा, आपने समझ नहीं रखा, रटने का प्रयास करोगे बिल्कुल भूल जाओगे। देखो किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अब आपको पीछे सिखाया तो था, पीछे प्रूफ किया था ना, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या लिख सकते हो, डायगनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, डायगनल की वैल्यू a है तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 537 क्वेश्चन नंबर 537,
537 को देखना, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का जो परिमाप है वो आपका क्या है, 28 मीटर। ठीक है, कोई टेबल है, पेरीमीटर 28 मीटर, ऊपर से अगर देखोगे तो आपको रेक्टेंगल जैसी दिखेगी। क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने भाई, 48 मीटर। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, आपको अभी अभी सिखाया था क्या, सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस 2 × में एरिया। अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, इस बात से सवाल सीधे सीधे सोल्व होता है, ये बात इंपॉर्टेंट भी है। परिमाप 28 है, सेमी पेरीमीटर कितनी होगी भाई, 14 होगी, 14 का स्क्वायर। एग्जाम में सीधे सीधे अगर चीजें याद हैं तो यहां से स्टार्ट कर सकते थे, 196 इक्वल में क्या होगा भाई, डायगोनल तो आपसे पूछा ही है, डायगोनल का स्क्वायर 2 × एरिया, 2 × में 48 कितना आ गया, 96। देखना 96 इधर चला जाएगा, 196 में से 96 लेस किया, 100 बचा, डायगोनल का स्क्वायर 100 अंडर रूट कर दोगे तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आएगी, 10। हो सकता है एक संभावना आप क्रिएट कर ले कि इस पर्टिकुलर सवाल में तो ये लागू होती है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले कि सर इन दोनों की वैल्यू 14 होगी क्योंकि 28 है और यहां से आपको एरिया 48 देना है, तो 8 और 6 इसको जस्टिफाई कर रहा है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो लेकिन ऐसे सारे सवाल नहीं कर सकते, ये समस्या है। हाँ, इस पैटर्न से आप हर सवाल को कैसा भी हो, वो कितना भी टिपिकल हो, उससे डील कर सकते हैं। कुछ पुराने पेपर देखोगे, इधर उधर में बुक में भी पढ़ोगे तो आपको कुछ सवालों में डायग्राम बनाना आ जाएगा, कुछ में डायग्राम में आप फंस जाओगे, तो बेटर क्या रहेगा, उस चीज को सीखें जिससे हर सवाल सोल्व होता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 538 की बात कर लेते हैं हम लोग, 538। में देखना इसने क्या कहा, किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% घटा दिया, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, 25% बढ़ाया 20% घटा दिया तो इसका मतलब नो चेंज आएगा यहां पर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, एरिया पहले क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहले जो एरिया है और जो बाद में एरिया है दोनों का रेशियो लेता हूं। 25% आपको पता है कि आप 1/4 लिखते हो, इसका मतलब अगर पहले लंबाई आपकी 4 है तो बाद में ये लंबाई 25% मतलब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी भी, 5 हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई 20% घटा दी, 20% आप 1/5 लिखते हो, इसका मतलब ये 5 लिखा जाएगा, तो इससे जस्ट आप क्या करो, 1 कम कर दो, यहां पर 1 कम कर दो, कम किया है तो ये 4। तो एरिया पहले 4 × 5 20 था, बाद में भी 20 था, एरिया 1:1 में मेंटेन है, इसका मतलब ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज्ड, क्षेत्रफल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 539 पर आ जाते हैं, अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक तो कर दो, अपनी भी कुछ मॉरल जिम्मेदारियां समझा करो स्टूडेंट होने के नाते। देखो क्या कहा, वर्ग ए का जो डायगोनल या विकर्ण है वो ए प्लस बी है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब सिंपल सी बात समझना, ये जो आपके पास स्क्वायर है, आपके पास जो वर्ग है इसका नाम कितना दिया इसने, ए, वर्ग ए के क्षेत्रफल के 2 गुने के साथ रिलेट करवा के कोई आपसे बात पूछ रहा है। अब इस वर्ग का नाम है ये ए हो गया, इसका डायगोनल कितना है भाई, डायगोनल इसका है ए प्लस बी, लिखा जा सकता है। इसका अगर मैं एरिया लिखना चाहूं, एरिया लिखना चाहूं तो आपको सिखाया है कि स्क्वायर के अंदर एरिया आप डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, तो आप एरिया लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लिखा जा सकता है। अब आपसे क्या कह रहा है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना, इसका मतलब इससे जस्ट डबल, तो वो क्या होगा, डायग्राम कुछ ऐसा सा बना लो, इसका डायगोनल मैंने मान लिया डी, ठीक है भाई, इसका एरिया अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, इसका ये एरिया निकला था, इसका जस्ट आप डबल कर दोगे तो ये नए वाले के एरिया के बराबर हो जाएगा, इतना ही करना था मेरे हिसाब से, एग्जाम में भी इतना ही करना था। फिर से बात को अंडरस्टैंड करना,
एक एक करके मैं सारी बात लिख देता हूं कि अनवांटेड काम नहीं करने थे आपको। समझ आ गया होगा डायग्राम से, तो देखना आपको क्या कहा, एक स्क्वायर है आपके पास जिसका डायगोनल ए प्लस बी है। अगर आप इसका एरिया लिखना चाहें तो डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाई टू लिखा जा सकता है। अब क्या कह रहा है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इससे जस्ट डबल है, इसका जस्ट डबल कर दो। और अगले स्क्वायर का एरिया आ गया, ये अगले स्क्वायर का डायगोनल चाहिए तो डायगोनल डी मान लो, डी स्क्वायर डिवाइड बाई टू कर दोगे एरिया आ जाएगा। ये पार्ट इससे कटा, दो इधर चला जाएगा, पूरे का अंडर रूट करेंगे आप तो अंडर रूट दो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर जो अपना सेकंड स्क्वायर है उसका ये हो गया डायगोनल। इजी वे में डील किया जा सकता है। अगर डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय टू आपको नहीं पता है तब समस्या आएगी। अब देखो छोटा सा पार्ट अपना रोम्बस का डिस्कस कर लेते हैं, रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। हेडिंग लगा लो आप रोम्बस या फिर सम चतुर्भुज। रोम्बस या फिर सम चतुर्भुज देखना, रोम्बस कहते किसे हैं? ये आपका एक रोम्बस हो गया ए बी सी और डी। रोम्बस में क्या होगा, चारों की चारों आपकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एक स्क्वायर को भी आप रोम्बस कह सकते हैं, क्यों, उसके अंदर भी यही कंडीशन फुलफिल हो रही है। स्क्वायर को रोम्बस क्यों कहा, आपने देखा आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन क्या आप किसी रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं, तो आप रोम्बस को देखा 90 डिग्री एंगल नहीं दिखा, इसका मतलब आप कहेंगे नहीं ये स्क्वायर नहीं होता, ठीक है भाई। तो ये तो रिलेशन है, ऐसे रिलेशन रेलवे के अंदर देखने को नहीं मिले हैं, सीडीएस वगैरह में पूछता इस टाइप की चीजें तो उस पर अपने को नहीं जाना। अब यहां पर थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना, एक तो छोटी सी बात लिख दो भाई, पेरीमीटर क्या होती है, चार भुजाएं हैं तो चार ए, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है 2a, ये तो नकली सी बात हो गई। कुछ रिजल्ट निकालने हैं, इसको मैं इससे मिला देता हूं, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं देखना, ये और ये भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल अगर आप अल्फा लोगे तो इसका इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, अल्फा, ठीक है भाई। अब ये वाला जो पार्ट होता है ये इस पर पलट के रखा जा सकता है, ऐसे समझ आए तो ठीक है, या फिर ऐसे समझो दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा कट करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। फिर समझना, दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा कट करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, पढ़ाया जा चुका है पीछे डिटेल में कौन से एंगल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन किया था। तो इसका मतलब ये अल्फा अल्फा आ गया, ऐसे ही इस तरफ से आप डायगोनल के साथ डील करते तो ये आपका बीटा बीटा हो जाता और ऐसे ही ये भी बीटा और ये भी बीटा हो जाता, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा और देखना जरा, ये एंगल 2 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा लिखा जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को एक बार मिटा रहा हूं। अब मेरे को ये पता चला कि ये मेरा एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ये 2 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा, तो चार बार तो बीटा आ गया, चार बार अल्फा आ गया, तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल्स अगर हम लोग ऐड कर दें तो 4 अल्फा प्लस 4 आपका बीटा, जो कि बराबर किसके होगा भाई, 360 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट यहां से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। फिर से देखना जरा, इसको मैंने हटा दिया यहां से, अब फिर बना लेते हैं, ये दो एंगल 90 डिग्री होंगे इस त्रिभुज में क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, तो एक बात बताओ बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90। ये अल्फा और बीटा 90 होंगे, 180 करना है तो ये 90 ये 90 ये 90। कंक्लूजन क्या निकला, डायगोनल 1 जो है आपका वो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन है डायगोनल 2 पर, ठीक है भाई। चलो एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, फिर से पूरे के पूरे डायग्राम को हटा देता हूं, यहां से बस इतना सा हमने कंक्लूजन निकाला है कि रोम्बस के अंदर दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहां से देखो कुछ और रिजल्ट भी अपने निकल के आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपका ए बी सी डी
चारों साइड्स आपकी जो हैं वो इक्वल होंगी। यहां से ए ए मान लो, ए सी को मैंने नाम दिया डायगनल वन, और ऐसे ही बी और डी को नाम दिया डायगनल टू। ठीक है भाई, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये 90-90 के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं। सबके सामने की भुजा आपकी सेम आ रही है, एंगल अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन चल रहा था, चारों ट्रायंगल एक जैसे होंगे। एसी को डायगनल वन आपने माना था, इसका मतलब डायगनल वन के दो टुकड़े हो गए, ये दूरी डायगनल वन डिवाइड बाई टू होगी, ये दूरी डायगनल वन डिवाइड बाई टू होगी। पूरा का पूरा एसी क्या था, डायगनल वन, डी वन इसको लिखा था। ऐसे ही बी डी की जो दूरी है वो डी टू है, तो यहां पर इसके भी दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, डी टू बाई टू एंड डी टू बाई टू। 90 डिग्री है ये लिखा जा सकता है, 90 के सामने ये वाली, या फिर ऐसे समझो इस त्रिभुज को देखना जरा गौर से, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस या फिर कर्ण होगा आपका, एक को बेस एक को परपेंडिकुलर मानोगे, तो यहां से आप लिख सकते हो डायगनल, इसका स्क्वायर कर दो, सॉरी इसका स्क्वायर कर दिया डी वन स्क्वायर बाई फोर, इसका स्क्वायर करोगे डी टू स्क्वायर बाई फोर, इक्वल में क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर। तो यहां से एक सिंपल सा रिलेशन बना, चार का गुणा कर दिया, सिंपल सा रिलेशन क्या कहता है, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, चार ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका ये निकल के आया, ठीक है भाई, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें देखो, प्रयास कर रहा हूं मैं कि थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से एसएससी में पढ़ाया जाता है वैसा सा प्रयास करें कि चीजें आपको रटने ही ना पड़े, एक बार कॉमन सेंस, हालांकि उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो कुछ कंक्लूजन होंगे उनको निकालना बड़ा ही आसान होगा। फिर देखना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज है तो एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, इसको आधार मान लो इसको ऊंचाई, तो ये डी वन बाई टू आधार गुणा ऊंचाई डी टू बाई टू लिखा जा सकता है भाई। इन सबके अंदर एरिया इसी टाइप से निकलेगा, इसमें भी वही दो भुजाएं दो भुजाएं दो भुजाएं, इसका मतलब पूरे रोम्बस का अगर आपको एरिया चाहिए तो इसको क्या करोगे, चार से गुणा, चार त्रिभुज है, दो गुणा दो चार कट गया, तो क्या बचा डायगनल वन डायगनल टू डिवाइड बाई टू। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आया हमारे सामने कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो लिखा जाता है डी वन डी टू डिवाइड बाई फोर। ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट भी आपको सीधे ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, यहां तक सारी की सारी बातें मेरे ख्याल से आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर से मैं इन चीजों को हटा देता हूं। देखो, और इसका जो रोम्बस का, एक जगह मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, रोम्बस का जो कॉन्सेप्ट होता है आपका वो हमेशा ही आप ध्यान रखना एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस एक भुजा होती है रोम्बस की, कोई भी आप देखो चार राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक भुजा आपकी डी वन बाई टू होती है और एक भुजा आपकी डी टू बाई टू होती है। या सीधे और स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं तो रोम्बस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्या लिखा जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। जिस बच्चे ने इसको समझ रखा, देखो वो चार बातें हैं वो मैं चाहता तो सीधे लिखवा देता, लेकिन नहीं, कई बार हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं लेकिन अप्रोच ध्यान रखते हैं, तो इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, एक छोटी सी बात ऑब्जर्व और करना, कई बार क्या होता है आपको समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे दी जाती है। ठीक है भाई, रोम्बस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, रोम्बस के अंदर आप चाहे यहां इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी चेक कर लो, चाहे इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक समांतर रेखा ये है मेरी और एक समांतर ये रेखा ये है, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी मतलब परपेंडिकुलर एक से दूसरे पर, वो मेरी क्या है, एच। अगर ये मुझे दे रखी है समांतर भुजाएं, ये वाली है, इनके बीच भी ये एच आएगी, प्रूफ करने में हम लोग टाइम किल नहीं करेंगे, इतना विश्वास मेरे ऊपर आप रख लो। ठीक है भाई,
अब इस केस में एरिया चाहिए, तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, ऑब्जर्व करना, मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार ए, और ऊंचाई कितनी h, d से लेकर यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी के बराबर तो आएगी भी। दो समांतर पैरेलल लाइन बताई थी तो उनमें कहा था कितने भी आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो सबकी लेंथ क्या रहती है, फिक्स। इसका एरिया ये हो गया। इस त्रिभुज का एरिया लिखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2 बेस ए ले लेते हैं और ऊंचाई सामने के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या आ जाएगा, एच। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करोगे, 1/2 कॉमन आ गया, AH, AH, या AH, AH कॉमन आ गया, 1/2 प्लस 1/2 वन हो गया। तो यहां से आप एरिया लिख सकते हो भुजा गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये रिलेशन भी आपका क्या होगा, यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलो एक इंपॉर्टेंट बात और रखता हूं आपके सामने। बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है भाई। ट्राइंगल से रिलेटेड भी बात है। मान लो ये कोई ट्राइंगल है आपके पास और इसमें दो भुजाएं दे दी आपको, जैसे ये भुजा दे दी आपको ए और ये वाली भुजा दे दी बी, और इनके बीच का एंगल आपको दे दिया और आपसे कहा कि इसका एरिया बताओ, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो 1/2, आधार मैंने बी मान लिया, ऊंचाई नहीं है मेरे पास, तो जिसको मैंने आधार माना, पीछे सिखाया था ना ट्राइंगल के अंदर हाइट का कॉन्सेप्ट, जो भी बेस मानोगे सामने के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो वो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट एच हो गई। हमें दिया क्या था, हमें बी दिया था, बी पूरी की पूरी दूरी यहां से यहां तक है, तो मैंने बेस मान लिया, एच मुझे चाहिए, उसने दिया नहीं था, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, थीटा उसने दिया था, ए उसने दिया था। अब एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना, साइन थीटा क्या होता है भाई, थीटा जो भी है उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर एच और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस से, साइन थीटा को यही तो लिखा जाता है, तो यहां से एच क्या होगा आपका, ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू यहां पर रख दो, बी इंटू एच लिखना था तो ये आ गया ए साइन थीटा, ठीक है। एरिया का असल में देखा जाए तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला, एरिया का आपने एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाला, थीटा है, ए है, बी है, तो इस ट्राइंगल का एरिया जो लिखा जाता है वो आप लिखते हैं ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई में 2। क्लियर है भाई, प्रूफ करके भी देख लिया, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब उस साइड जितनी भी मैं बातें आपके सामने रख रहा हूं सबके आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। रोम्बस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज, और कुछ गिने चुने 4 रिजल्ट आपके सामने होते हैं। फिर से रोम्बस पर आ जाते हैं, रोम्बस में क्या होगा, यहां पर इस बार आपको देगा वो क्या, साइड और एक एंगल, ठीक है भाई। साइड चारों की चारों आपकी बराबर हो गई, ये एंगल उसने दे दिया थीटा, ठीक है भाई। तो एक बात बताना, पीछे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इधर बीटा बीटा था तो ये बीटा बीटा, कहने का मतलब ये 2β था, ये भी 2β आया था, ये 2α था, तो ये पूरा एंगल भी 2α आया था, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 2। दो भुजाएं बीच का एंगल, दो भुजाएं बीच का एंगल, तो दोनों का भुजाओं का गुणा करोगे, ए इंटू में ए स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये एंगल भी पीछे प्रूफ किया था, चलते चलते देखना उसको पीछे खिसका के थीटा आएगा, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया भी ए स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है भाई। दोनों को ऐड कर दोगे तो देखना ए स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहां से एरिया क्या निकल के आया आपके पास, ए स्क्वायर साइन थीटा, दो ट्राइंगल है ना दोनों का जुड़ गया, ये किसके लिए है भाई, ये एरिया है आपका रोम्बस के लिए। तो रोम्बस पढ़ते टाइम आपको ये 5 बातें ध्यान रखनी होती हैं, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है और 4 प्योर प्रॉपर्टी है आपकी रोम्बस की, ठीक है। अब यहां पर कई बच्चों को एक सवाल आ सकता है कि सर कई बार एंगल है 150 डिग्री दे दें, मुझे 150 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, 150 दिया मतलब उसने ये एंगल दिया,
एक बात बताओ, दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा कट करती है, ये 150 है तो ये क्या होगा, 30 डिग्री। तो उस केस में आप एंगल को शिफ्ट करके दूसरी तरफ ले जाएं, 30 डिग्री से सोल्व कर लें। रीजन क्या है, रिजल्ट सेम बनता है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो की वो वैल्यू साइन 150 डिग्री की होती है। तो ये स्ट्रेस नहीं लेना। चार प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट आपका राइट एंगल ट्राइंगल का होता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इतना जिस बच्चे को पता है उसका काम दौड़ जाएगा धड़ल्ले से, ठीक है। इवन अगर वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो उसका काम एसएससी में भी चल जाता है यहां पर। चलो आपके सामने सवाल नंबर मैं रखता हूं 540, क्वेश्चन नंबर 540, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना बीच में कहीं ना कहीं लास्ट के अंदर आपको फिर दिख जाएंगी, तब ले लेना। देखो, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, भुजा कितनी हो गई भाई 10, उसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब वही समांतर भुजाओं के बीच की उसने आपको दूरी दी है, ठीक है भाई। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये 10 है, इसके बीच की दूरी ये वाली तो है, ये कितनी 5। एरिया कितना होगा भाई, पीछे लिखवाया था 10 × 5, तो रिजल्ट कितना 50। पूरा का पूरा सवाल आप वर्बली कर सकते थे, कोई तनाव यहां पर आपको लेने की नीड नहीं थी। अगले सवाल पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 541 को देखो जरा। यहां पर एक सम चतुर्भुज के विकर्ण कितने हैं भाई, 32 और 24। इस सम चतुर्भुज का आपको परिमाप बताना है। एक तरीका तो ये है आपके पास, पहला मेथड तो ये है कि डायगनल 1 का स्क्वायर डायगनल 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a², ठीक है। इसको यूज करते हैं तो ये आता है कैलकुलेटिव, ठीक है। दूसरा और इंपॉर्टेंट तरीका, आपको कहा था राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी रोम्बस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, प्लस में आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएं। कॉमन सेंस के साथ समस्या ये है कि इतना कॉमन है नहीं जितना इसका कॉमन नाम है, दो चीजों का सारा लोगे काम चलेगा। कैसे चलेगा भाई, आप इमेजिन करेंगे कुछ इस हिसाब से कि दो डायगनल है, एक दूसरे को कट करते हैं, 32 है इसका मतलब ये दूरी 16 और 16, और दूसरे के अंदर 24 है तो यहां पर ये दूरी 12 और 12 लिखी जाएगी। 12 और 16 की वजह से 4 से भाग दोगे, ये 3, ये 4, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, 4 गुणा है, 12 16 की वजह से ये 20 आ जाएगा। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आपकी आ जाएगी 20 × 4 = 80। मेरे हिसाब से ये सवाल माइंड में हो सकता है। कैसे भाई, 116 दोनों क्यों लिखूं मैं भाई, मुझे पता ही चल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल का जो एंगल है आपका 90 डिग्री का जो कोण है वो बनाएंगे कौन, डायगनल बनाएंगे, और उनका भी हाफ हाफ पार्ट इन्वॉल्व होगा, हाइपोटेनस मेरी साइड होती है, तो हाफ किया मैंने 16 और 12 दिखा, 12 और 16 का रिलेशन किस रेशियो में चल रहा है आपका, तो आप ऑब्जर्व करेंगे 3:4 में, तो इसका मतलब हाइपोटेनस 5 आएगा। 4 गुणा पर सारी चीजें बैठी, हाइपोटेनस 20 आ गया, इसका मतलब आपकी पेरीमीटर 4 भुजाएं होती हैं, 80 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। पहली अप्रोच टिपिकल है, हालांकि प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको लिखाई है, प्रूफ भी करके बताए हैं एक चीज, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे हमेशा ही इसके अंदर राइट एंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ कुछ सवाल आपके टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। देखना, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 है, दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है तो दूसरे की लंबाई क्या होगी। वर्बली हो सकता है भाई, भुजा कितनी होगी 10, भुजा के अंदर देखना, भुजा हाइपोटेनस का काम करती है कर्ण का। अब एक विकर्ण 12 है तो उसका हाफ ही तो काम करता है उस राइट एंगल को बनाने में, तो एक भुजा 6, हाइपोटेनस 10, दूसरी भुजा कितनी होगी 8 लिखा जा सकता है। लेकिन आपसे तो दूसरे वाला जो डायगनल है वो पूछ रहा है, जो कितना हो जाएगा 16। वर्बली हो सकता है, कब, उस प्रॉपर्टी को काम में मत लेना आप, d1² d2² = 4a², वो बहुत टाइम किल करती है। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं कि मैंने यहां पर एक्चुअल में क्या किया। आपको यह बात अच्छे से पता है, दोनों डायगनल दो तो टुकड़े होते हैं यहां पर इक्वल इक्वल, और 90 डिग्री पर कट करते हैं, पूरी पेरीमीटर 40 है तो ये भुजा 10 आ गई, कुछ सोचना ही नहीं था।
एक डायगोनल कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर लंबाई, ये पूरी की पूरी 12 है, कोई सा भी ले लो, जैसे ये 12 लिया तो ये कितना भाई, 6 और 6, 6 हाइपोटेनस 10, तो ये 8, तो ये भी 8, आपको तो ये पूरा का पूरा डायगोनल बताना है, तो जो कि 16 होगा। और ये सवाल मैंने आपको बताया है कि माइंड में सोल्व हो सकता है, करके भी बताया है, तो सीधे सीधे कर भी सकते हो। चलिए भाई 543 लैंग्वेज को रीड करना भाई। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक कोण आपका 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल, भुजा कितनी आ गई भाई 10, एरिया क्या बताया था, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 गुणा में साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी भी, अंडर रूट 3/2। सोल्व करोगे तो रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है 50√3, इतना सा आपको काम करना था एग्जाम के हिसाब से, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्यों आते हैं भाई ये रिजल्ट, प्रॉपर्टी आपने अच्छे से समझ रखी है, इन पर बेस्ड आप सवाल कर देते हो। और कुछ कलाकार बच्चे कह रहे हैं कि सर एसएससी के सवाल क्यों करवाते हो आप, अरे मुझे उन मूर्खों के ऊपर वैसे भी थोड़ी सी दया आती है, सवाल सवाल होते हैं यार, पुराने पेपर आप देखना नहीं चाहते, बस आपने जैसे ही मैंने नाम ले दिया कि भाई कुछ सवाल मैं एसएससी के भी उठाता हूं, ऑलमोस्ट 70-80%। अब गौर से देखो उन पेपर्स में कुछ आ ही नहीं रहा है रेलवे के अंदर, एकदम नकली नकली सवाल करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो वहां से उठा लेते हैं, जो और ठीक लगते हैं कि भी कुछ तो लेवल उठा करके पढ़ाए आपको, थोड़ा बहुत तो लेवल लगे, ताकि आपकी स्टेट लेवल की एग्जाम की भी तो हाँ कर रखी है मैंने कि वो भी कवर हो जाए, तो इसलिए सवाल उठाए जाते हैं एसएससी से। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना नहीं चाहते, एक रट पकड़ रखी है एसएससी वालों ने, तो ये रट पकड़ रखी है कि हमें हमारी सीरीज क्यों नहीं चल रही, रेलवे का क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। अब इसमें भी एसएससी के मैंने कह रखे हैं कि 70-80% सवाल एसएससी के चलते हैं, तो अब वो रेलवे की जो तैयारी कर रहा वो कह रहा नहीं प्रीवियस ईयर के एक लिख के करो। देखो उस टाइप से ना तो मैं पढ़ाता हूं, ना मैं हवाबाजी करता हूं, मैथ मैथ है, ये रोमबस है। अगर ये मैंने आपको पढ़ा है, अब मैं कह दूं 544 नंबर सवाल सीजीएल 2012 मेंस का सवाल है, इसकी बात कर दूं तो मैं ये कह दूं कि एसएससी आपका 2005 का सवाल है, कोई और तीसरी बात कह दूं कि ये असिस्टेंट लोको पायलट का सवाल है, 2000 इतने का है, ये इतने, इससे क्या हो जाएगा, मुझे सिंपल सी बात बताओ आप, इससे क्या हो जाएगा। अगर इनके नीचे डेटा लिख देने से ही आपको सुकून मिलता है, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य मैथ को सीखना नहीं रहा, आप फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। चार बातें पूरी सी नहीं है रोमबस के अंदर, यहां जितने भी सवाल चल रहे हैं उसके नीचे आपको डेट चाहिए कि सर ये एसएससी में आया था, ये सीएचएसएल में आया, ये सीपीओ में आया, ये सीडीएस में आया, ये राजस्थान पटवारी में आया, ये एमपीएसआई के अंदर आया, ये एस्टेट में आया, इससे क्या हो जाएगा। इतने हजारों एग्जाम मतलब देश के अंदर अलग अलग देखोगे तो आपके सैकड़ों एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें मैथ्स पूछा जाता है, तो पूरे दिन उसी में लगे रहो। मुद्दा यह है कि उस एग्जाम के चक्कर में ना पड़े, ये रोमबस है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी होती है, आपको कितनी आती है बस उनमें इंप्रूवमेंट करना है, बाकी एसएससी क्या पूछ रहा है, सीडीएस क्या पूछ रहा है, वो हेडेक मत लो। मैंने भी तो कुछ सोच समझ के ये सीरीज स्टार्ट की है कि रेलवे के बच्चों को पढ़ाना है, कहां तक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो मेरी जवाबदेही है। अब अपने पास टाइम इतना ज्यादा था नहीं, मैंने कहा कि कम से कम 150 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम है 150 घंटे रेलवे को पढ़ाने के लिए, लेकिन इतना टाइम अपने पास नहीं बचा, इसलिए थोड़ा सा चीजें स्पीड के अंदर भी चलती हैं। अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिस का कंटेंट ये वो सारा बवाल एक ही जगह दे देता, आपको सिर्फ ये करना था, एग्जाम से एक महीने पहले आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते, आपका काम धड़ल्ले से चलता, कुछ भी नहीं छूटता। और वो इतना टाइम होता तो मैं आपको ढूंढ ढूंढ के नीचे भी लिख देता कि 544 नंबर का सवाल यहां से पूछा गया था, 543 इन तीन एग्जाम में पूछा गया, 542 इन दो एग्जाम में पूछा गया, ये सब वाहियात काम है, इनसे थोड़ा बच के रहो। टीचर है आपका, मेरे ऊपर फेथ है तो देखो, आपका मेरे ऊपर फेथ नहीं है वीडियो मत देखा करो, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा, मेरे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्लास बनानी है, जिनको भरोसा करना वो भरोसा करें, जिनको नहीं करना आप कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी लगेगा ठीक है, कभी करेगा नहीं यार एसएससी के करवा देता है, एसएससी के कर लिए तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा रेलवे में। अगर आपके दिमाग में ऐसे द्वंद्व हैं, आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे। अगर किसी टीचर पर एक्स वाई जेड कोई भी हो, चाहे आपका पेड का कोर्स का भी टीचर है और एक आपका फ्री का टीचर है, अगर पेड वाले के ऊपर और फ्री वाले दोनों में कंपेयर करके पेड वाले पर विश्वास डगमगा रहा है तो उसका त्याग कर दें, फ्री वाले से विश्वास डगमगा रहा है तो उसका त्याग कर दे,
फेथ सबसे पहले क्रिएट होता है, तभी जाकर के कुछ होगा। कि फॉर्म डालते हैं आप, कुछ बच्चे सीरियस होकर तैयारी करते रहते हैं हर रोज, मतलब 7-8 घंटे भी निकालते हैं पढ़ाई के अंदर। क्या रीजन है, वो क्यों करने जाते हैं? उनको एक फेथ है, एक विश्वास है कि यार मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, मेरी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। एक भीड़ है, 100 ट्रिक चाहिए सर, ये चाहिए हमें, वो चाहिए, ऐसे नोट दे दो जिससे चमत्कार हो जाए, वो वाले सवाल दे दो उससे चमत्कार हो जाए, ये तो ये कहता है, वो लोग ये कहते हैं, 5 सेकेंड में होना चाहिए। अब वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। ये बाजार है, ये उन्हीं बच्चों से चलता है। और जो सीरियस टाइप के बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा करना नहीं, डाउट आया पूछ लिया, ठीक है। बाकी अगर आप सीरियस होकर के देखेंगे तो मेरे पढ़ाए हुए 100 सवालों में से शायद ही आपको 1 या 2 सवाल में डाउट आ सकता है, अगर आप रेगुलर देखते हैं। और अगर आप रेगुलर नहीं देखते, इरेगुलर होकर के देखो, आपको 100 सवाल अगर आप अलग अलग चैप्टर के ढूंढोगे, आपको 90 सवालों में हवा नहीं लग रहेगी कि ये टीचर किस हिसाब से तो सवाल करवाता है, क्या इसका पैटर्न है, कुछ पता नहीं चलेगा। रीजन, कहीं ट्रिक नहीं लिखी है। ट्रिक लिखी होती तो क्या होता, ये फॉर्मूला है असल में ट्रिक, उसकी वैल्यू उठा करके क्वेश्चन में रखनी है। तो इस टाइप के मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के वाहियात कमेंट भी ना करें, ग्रुप के ऊपर भी ना भेजें कि SSC के सवाल क्यों करवाते हो, इनके ऊपर डेट क्यों नहीं लिखते हो, ग्रुप डी है तो ग्रुप डी लिखो, उस पर MTS का सवाल है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, आप गलत जगह आ गए हैं, आप किसी दूसरे टीचर को पकड़ने का प्रयास करें, वो आपका हो सकता है उद्धार कर दे। देखो 544 का सवाल, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है भाई? 100। उसका एक विकर्ण 20-40 है, दूसरा उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। देखो पहले तो बात को समझना, ये रोम्बस का डायग्राम बनाया आपने, बना लिया, 100 पेरीमीटर है, तो इसका मतलब भुजा 25। एक डायगोनल इसका कितना है भाई? 40। कोई सा भी ले लो आपका जो मन करे, ये मैंने 40 ले लिया, तो ये दूरी 20 और 20। इसकी लेंथ आपको निकालनी है, देखना 25 और 20 का रेशियो कितना है भाई? 4:5, तो ये 3 आएगा, 15 लिख दिया, ये 15। तो एक डायगोनल आपका 40 है, दूसरा आपका 30 हो जाएगा। D1 D2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 40-30 1200 डिवीजन के अंदर करोगे 2, तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 600। ठीक है भाई, मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप इसको इस तरीके से करें रोम्बस को। रोम्बस में अगर आप कोई और कलाकारी लगाएंगे तो हो सकता है मामला टिपिकल हो जाए। सवाल नंबर 545, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 है, तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा? भुजा कितनी होगी भाई 8 और 6 की वजह से? देखो हाफ हाफ हो जाता है, 3, ये जैसे 8 है पूरा का पूरा, ये 3, सॉरी ये पूरा 8 है, तो ये 4 4, ये 6 है, तो 3 और 3, इस 3 और 4 की वजह से भुजा 5 आती है, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। वर्बली हो सकता है, फिर से समझना, वो फॉर्मूला अवॉइड करना है, D1² D2² वो टाइम किल करता है, ठीक है भाई। 1 8 है तो ये कितना? 4 4, 1 6 है तो ये 3 3, 3 और 4 की वजह से 5, और भुजा का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है 25। ये सीधे सीधे आप सवाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 546, सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 546 का, ये आपका रहेगा होमवर्क, ईमानदारी से इसको करना है। क्या कहा इसने कि एक समचतुर्भुज है, परिमाप 2p यूनिट है, विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है भाई, ये आपका सवाल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है भाई, जो आपको पीछे करवाया था। अब ये वाले जितने भी ये प्रॉपर्टी वगैरह चल रही है रोम्बस की, मैंने सारी प्रॉपर्टी कवर कर दी है, कुछ एक दो बातों को छोड़ करके जो SSC में ही स्पेशली काम आती है, इनके लिए मैंने एक 25 पेज के आसपास PDF भी भेजी थी, जिसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति चाहे वो 2D हो 3D हो, फिर आपकी ज्योमेट्री, इन सब की प्रॉपर्टी जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज का ऑलमोस्ट पार्ट जो SSC तक भी आपका काम में आता है, वो भेजी है। तो कोई बच्चा अगर कुछ और ज्यादा देखना चाहे इनमें से, तो क्या करे, वो उनको डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम चैनल पर देखोगे फाइल का जो सेक्शन है उसमें पुराने जाकर के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। किसे करना वो काम? जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, CDS की कर रहे हैं, या फिर आपकी स्टेट लेवल की एग्जाम का लेवल थोड़ा सा SSC के जैसा आता है, वो बच्चे, ठीक है। रेलवे वाले तो जितना काम बता रहा हूं उतना तो कर लो यार, इससे भी काम चल जाएगा। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट किया करें, कमेंट नहीं आ रहे हैं आजकल आपके कि ठीक लग रहे हैं सर, नहीं ठीक लग रहे हैं, लाइक किया करें सेशन को, इनको शेयर किया करें, ठीक है।
बार बार मैं आपको कहता हूं चीजें टू वे में हो सकती हैं, वन वे के अंदर नहीं होता। जैसे एक बच्चा उस दिन कह रहा था ना कि एक तरफा तो सर प्यार भी काम का नहीं होता, तो वो दोनों तरफ से होना जरूरी है। इसलिए इन क्लासेस को थोड़ा शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। हर रोज का एक टारगेट बना ले कि मैं इसे एक या दो ग्रुप के अंदर या एक या दो लोगों को डेली बेसिस पर इनको शेयर करूंगा। बस इतनी उम्मीद है कि कोई टीचर आपके लिए हर रोज एक से सवा घंटा निकाल रहा है तो उसके लिए कम से कम आप 20 से 30 सेकंड का टाइम तो निकालें। कोई भी सजेशन है कमेंट कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ के लिए आपको मैंने शुरुआत में बताया था क्या करना है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।